हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मॉर्निंग का शुरुआत हो रहा है यहाँ नाश्ते से, तो आज नाश्ता में बना रहे हैं इडली। तो उसके लिए पहले चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे चना दाल का चटनी बना रहे हैं, और जिनको नहीं पता है कैसे बनता है ये चना दाल का चटनी, वो आपके साथ रेसिपी पूरा शेयर कर रहे हैं चटनी का। और इडली का तो रेसिपी आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पर चना दाल को पहले पानी में अच्छे से सोक कर लेंगे आधे एक घंटे के लिए। उसके बाद फिर पानी से निकालने के बाद लेंगे कढ़ाई में सरसों का तेल, उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, और उसके बाद उसको फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे नमक डाल के, और ये चटनी जो है रेडी हो गया। और ये चटनी ग्राइंड करने के बाद इसको थोड़ा सा तड़का लगाना है कड़ी पत्ता और सरसों का सरसों के तेल में, और थोड़े से राई के साथ। और इसमें करी पत्ता भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास करी पत्ता नहीं था इसलिए यहाँ पे इसी तरह से इसको छौंक दिए हैं। तो देख सकते हैं ये चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इधर मेरा इडली भी तैयार है। तो आज का जो नाश्ता है वो इडली और चटनी है, और सुबह के नाश्ते में इडली और ये चटनी जो है सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये ब्रेकफास्ट मेरा हो गया। इसके बाद हम आ चुके हैं नहा के, और मेरा लंच का तैयारी होगा, और आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं कि आज के लंच में क्या बनेगा। तो नहाने के बाद रेडी हो चुके हैं, तो आप चलते हैं किचन की तरफ। तो आज बना रहे हैं चिली पनीर, और चिली पनीर का रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं बहुत बार, तो आप देख सकते हैं। और ये बहुत इजी सा रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाला। और इसके साथ ही बना रहे हैं तंदूरी रोटी। तो घर पर तंदूरी रोटी कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप ले सकते हैं गेहूँ का आटा, और इसमें थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना, और इसके साथ 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक। यहाँ पे ले रहे हैं 2-3 बड़ा चम्मच दही का, और इसको अच्छे से आटा को गूंद लेना है, और थोड़े से पानी के साथ। और उसके बाद इसमें लगा देंगे तेल, और 1 घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि आटा जो है थोड़ा सा फूल जाए। और आप इसको चाहे तो आप मैदे के साथ भी बना सकते हैं, बट ये गेहूँ का आटा जो है हेल्दी होता है, इसलिए आज आटे के साथ ही बना रहे हैं। और इसके साथ ही इसका डो बना लेंगे, और एक एक करके इसको अच्छे से रोटी की तरह इसको बेल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रहने देंगे। और एक तरफ लगा लेंगे पानी, और तवा जब गर्म हो जाए तो इसको अच्छे से तवे पर चिपका देंगे। पानी का साइड जो है वो नीचे रखेंगे ताकि तवे के साथ ये रोटी जो है अच्छे से चिपक जाए। और 4 से 5 मिनट में आपका ये रोटी जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको लो फ्लेम पर ही रखें, नहीं तो ये जल सकता है। तो इसी तरह से ये जब रेडी हो जाए तो इसको तवा को थोड़ा सा पलट देंगे, और इसको तंदूर का फ्लेवर जो है वो आने के लिए इसमें, और वो स्मोकी फ्लेवर आने के लिए डायरेक्ट इसको फ्लेम पे रखेंगे। और देख सकते हैं ये तंदूरी रोटी जो है तैयार है। तो आप इस तरह से घर पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा लंच जो है रेडी हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं रोटी है, खीर है, सलाद है, और ये सब्जी है। तो इसके साथ ही आप कैंडल लाइट डिनर किस तरह से कर सकते हैं, ये आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, और आपको बाहर जाने का मन ना हो तो घर पे भी आप कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं घर के अंदर डेकोरेशन जो है वो आपका किसी भी तरह अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा जो है ये डेकोरेशन बिल्कुल रेडी है, और इसके साथ ही ये डिनर है। तो देख सकते हैं ये आइडिया कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप भी एक बार अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।